उसके बाद भी जो यहाँ पर आंकड़े हैं राकेश जी वो बड़े कांटे की टक्कर बता रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर की बात पहले से कही जा रही थी, लेकिन दो बातें सामने आई हैं महाराष्ट्र में। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी एक स्थायी सरकार और विकास के उन्मुख सरकार दे सकती है, वहाँ की जनता में संदेश गया है। तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार के लिए महाराष्ट्र में वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत से एनडीए सरकार बनाएगी। लेकिन जो मैं झारखंड की बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड और उत्तर प्रदेश, शोभना जी मैं आपकी चर्चा सुन रहा था उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश के बारे में अलग अलग बातें कही गई, कानून व्यवस्था की बात कही गई। एक पॉइंट जो लोग नहीं रियलाइज कर रहे हैं, 2014 में उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 32,000 रुपये था, सिर्फ 32,000 रुपये था। 2024 में पर कैपिटा इनकम 94,000 हो गया, लगभग 3 times पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो 9 सीटें में 8 सीटें मिले, 5 सीटें मिले, 4 सीटें मिले, ये तो 2 दिन के बाद पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। इतनी बड़ी, लेकिन जो बातें राकेश जी, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश ने कैसे धोखा कर दिया फिर बीजेपी के साथ, ये सवाल भी तो पूछा जाएगा आपसे। देखिए चुनावी अंकगणित में, डेमोक्रेसी में कभी कभी उलट पुलट होता है और डेमोक्रेसी इसके लिए जाना जाता है। लोकतंत्र में कोई भी चीज स्थिर और सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है, मराठवाड़ा का आंकड़ा दिखा देते हैं, जी न्यूज और ICPL का एग्जिट पोल क्या कहता है। मराठवाड़ा में कांग्रेस प्लस को बढ़त है इस एग्जिट पोल के हिसाब से, कांग्रेस प्लस को 24 से 29 सीटें शोभना मिलती हुई दिखाई दे रही है। 40 में से 24 से 29 सीटें कांग्रेस को जा रही है, 16 से 21 सीटें जो है वो बीजेपी प्लस को जा रही है। जल्दी से अभी क्या टिप्पणी मराठवाड़ा को लेकर। अभी बात पुराना गढ़ और मराठा नेता, कांग्रेस के मराठा नेताओं की बहुत बड़ी लेगेसी कांग्रेस की, सबसे सफल उनके दलित मुख्यमंत्री जो रहे वो सुशील कुमार शिंदे थे। अदरवाइज कांग्रेस की जो लेगेसी है वो मराठा नेताओं की रही है। तो ये स्ट्रांग होल्ड हैं और इसीलिए मैंने पॉइंट आउट किया था कि विदर्भ छीना था बीजेपी ने कांग्रेस से, जो बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम कहें तो नॉर्थ महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कांग्रेस आगे चल रही है, विदर्भ में बीजेपी ने टक्कर दी हुई है, बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन अभी मुंबई की 36 सीटें बची हुई हैं, थाने कोंकण की 39 सीटें बची हुई हैं। तो अभी तो आंकड़ा मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन टक्कर जो है जयशंकर जी वो कांटे की दिख रही है अभी तक के आंकड़े। हमारा जो मानना है, हमारी जो समझ है, पता नहीं, विदर्भ कांग्रेस का गढ़ रहा है हाल के 2 चुनावों में जरूर। वहाँ देखिए नागपुर RSS का हेडक्वार्टर है, लेकिन नागपुर से 2014 से पहले कभी भी भाजपा का आदमी नहीं जीता। विधायक जितने होते थे सारे के सारे विधायक कांग्रेस के होते थे। और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में नतीजे जो है इंडिया अलायंस के MBA के पक्ष में गए। देखिए आंकड़े आ गए और दर्शकों को तो इस समय आंकड़ों का इंतजार है। थाने कोंकण की जो 36 सीटें उसका आंकड़ा क्या कह रहा है, ये थाने कोंकण रीजन में बीजेपी को 23 से 28 सीटें मिल रही है और कांग्रेस प्लस को 9 से 14 सीटें शोभना यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठाणे और कोंकण रीजन का आपके सामने आंकड़ा है, 23 में से 28 सीट इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को और 9 से 14 सीटें कांग्रेस प्लस को। अभी क्या है, बहुत जल्दी से कोंकण को कमेंट करना बहुत जरूरी है। शिवसेना का गढ़, अगर शिवसेना, हाँ मतलब शिवसेना, मैं तो शिवसेना अभी भी वही मानता हूँ, मातोश्री अली शिवसेना। हालांकि शिंदे साहब को नई पहचान मिली है तो माफ करें शिंदे साहब मुझे, तो ये पुराना शिवसेना का दल, अगर यहाँ बीजेपी अच्छा कर रही है, क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इंडिकेटर, ये टर्न अराउंड इंडिकेटर है। एग्जिट पोल्स गलत होते हैं हम सब जानते हैं, इसलिए कल के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोंकण में बीजेपी अच्छा कर रही है तो ये डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उद्धव सिंपथी फैक्टर पर। मतलब जो उद्धव गद्दार गद्दार का जो एक नारा दे रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेके, वो चला नहीं। हाँ, अगर कोंकण रीजन में यहाँ पर बीजेपी अच्छा कर रही है, शिवसेना का गढ़ है और इसका मतलब शिंदे यानी कि एकनाथ वाले शिंदे, मतलब कंफ्यूजन बहुत होता है जनता को समझाने के लिए, ही विल डू इट। रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से क्योंकि फिर मुझे मुंबई का आंकड़ा दिखाना है। मैं यही कह रहा हूँ कि कोंकण और ये जो थाने वाला जो रीजन है बेसिकली बॉम्बे का ही हिस्सा है। यहाँ अगर उद्धव ठाकरे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो तय जान लीजिए कि ये जो फिगर अभी आप देख रहे हैं ये महायुति की
150 के आसपास जा रही है। ठीक है, जल्दी से देखिए, चलिए मुंबई, मुंबई की 36 सीट अभी कैन में आऊंगी, मुंबई की 36 सीटों पर देखिए इस समय कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ठाणे कोंकण में बीजेपी बाजी मारती भी दिखाई दे रही है, मुंबई में क्या हो रहा है अनुराग जल्दी से बताइए तो। कांग्रेस प्लस को 15 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी प्लस को भी 15 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एकदम 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 अभिज्ञान, इस पर क्या आकलन है आपका? देखिए कितना अर्बनाइज है इंडिया का पहला और अकेला कॉस्मोपॉलिटन सिटी मुंबई। अब पॉइंट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर फिर दोनों अगर बराबर पे हैं तो डोमिनेंट उद्धव सिंपथी नहीं काम कर रही है जो लोकसभा में की थी इनके लिए बाकी मुद्दों के साथ। तो अगर मुंबई शहर में शहर के भीतर ये हाल है तो मैं इसको बीजेपी का एज मानूंगा क्योंकि ये डोमिनेंट उद्धव सिंपथी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ठीक है राकेश सिन्हा जी, जो उद्धव ठाकरे ने गद्दार गद्दार एकनाथ शिंदे को कहा, क्या लग रहा है वो बैकफायर कर गया और ये लग रहा था कि साहब यहाँ पे महाविकास अघाड़ी एज ले रही है लेकिन अब तो टक्कर जो है वो ऐसा लग रहा है कि महायुतिबाजी मार सकती है। देखिए उद्धव ठाकरे ने तो गद्दारी अपने पार्टी सिद्धांतों और अपने पिताजी के साथ किया है, जिस प्रकार से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर समझौता किया है, जिस प्रकार उन्होंने रंग बदला है सत्ता के लिए, ये किसी को अपेक्षा नहीं थी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सत्ता इतनी जल्दी उद्धव ठाकरे को वैचारिक रूप से भ्रष्ट कर देगी। ये वैचारिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण उद्धव ठाकरे हैं। जिस शिवसेना की स्थापना हिंदुत्व को लेकर हुई थी, बाला साहब ठाकरे आजीवन हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। राकेश सिन्हा जी आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन देखिए इस समय दर्शक आप लोगों का इंतजार कर रहा है, नॉर्थ महाराष्ट्र के आंकड़े आ चुके हैं, उत्तरी महाराष्ट्र में भी शोभना जबरदस्त कांटे की टक्कर है, यहाँ पर भी वही आंकड़ा है, बीजेपी प्लस को 15 से 20 सीटें और कांग्रेस प्लस को 15 से 20 सीटें। ये उत्तरी महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर की तस्वीर है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। फिर वही जो मैं रामकृपाल जी को कह रहा था, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र का उम्र दिखा देता हूँ, देखिए किसकी बन रही है अभिज्ञान सरकार महाराष्ट्र पर। ये सर्वे क्या कहता है, बीजेपी प्लस को 129 से 159 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से और कांग्रेस प्लस को 124 से 154 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये तय कर पाना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी हमें 23 तारीख के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा अभी। हालांकि बहुत नगर में महायुति है जो है वो बीजेपी को दिख रही है। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी आपके पास आ रही। प्रेम शुक्ला जी बहुत ज्यादा कोई ऐसा क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। देखिए आपके एग्जिट पोल के विज्ञान को प्रणाम है लेकिन हमको क्लीन स्वीप मिलने वाली है। एग्जैक्ट पोल के जब रिजल्ट आएंगे तो जैसे आप हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पराजय का सब लोगों ने फलादेश दे दिया था एग्जिट पोल में, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। उसी तरह से प्रचंड विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को मिलना निश्चित है। भूपेंद्र यादव जिनको आपने पूरा प्रभारी बनाया वो पिछले 4 महीने से वही डेरा डालकर बैठे हुए हैं, आपकी इलेक्शन मशीनरी को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है, लेकिन उस तरीके का क्लीन स्वीप फिलहाल आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। ठीक है नतीजों में हो सकता है। राकेश जी देखिए शोभना जी, भारतीय जनता पार्टी से आपने भूपेंद्र यादव जी का नाम लिया कि 4 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से काम किया है पूरी टीम, और बीजेपी के कोई मंत्री हो मुख्यमंत्री हो कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज जो तब्दीली की है भारतीय राजनीति में कि चाहे आप जिस पद पर हो लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, इसका असर हरियाणा में दिखाई पड़ा, यही असर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा, यही असर झारखंड में दिखाई पड़ेगा। ये मोदी वेव की वापसी है, मोदी वेव 2 है जो मोदी वेव महाराष्ट्र को शिफ्ट करने जा रहा है। आप देखिएगा इसका परिणाम हरियाणा की परिणाम कहीं गई थी कांग्रेस। राकेश जी इसका मतलब आपने ये मान लिया कि मोदी वेव थोड़ी खत्म हुई थी या कम हुई थी जो वापस आ रही है? नहीं, मैंने कहा मोदी वेव 1 चल रहा था, मोदी वेव 2 है जो कि पूरी तरह से स्वीप कर रहा हूँ उन राज्यों में जिन राज्यों में हमारी पकड़ कम थी। आज महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र कोलिशन पॉलिटिक्स से उब चुका है, जिस ढंग से एक एक जो एक भारत का वो एक इकोनॉमिक कैपिटल है
उस इकोनॉमिक कैपिटल की जिस तरह से दुर्गति की गई थी उन सरकारों के द्वारा, वहाँ की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी को जब पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा था तो राहुल गांधी यहाँ बैठकर उनके बारे में क्या बोल रहे थे। देश की जनता में इतनी समझ है कि अपने प्रधानमंत्री, अपने देश की सम्मान और देश का विकास। अब मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता हमेशा मुख्य धारा के साथ रही है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपने एनडीए के में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ठीक है राकेश।